खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल सीट की, जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है, साध्वी प्रज्ञा वर्सेस दिग्विजय सिंह। और होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदू, साध्वी प्रज्ञा बड़ी हिंदू या दिग्विजय सिंह? लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं दोनों की तरफ से, और आज साध्वी प्रज्ञा ने बुलेट पर प्रचार किया। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में कमल खिलाने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुलेट पर प्रचार के लिए निकल रही हैं। साध्वी खुद तो भगवा चोले में रहती हैं, उनकी बुलेट पर भी भगवा झंडे होते हैं। कुल मिलाकर साध्वी भोपाल के जिस कोने में भी जाती हैं, वो जगह भगवा हो जाती है। रोड शो की शुरुआत जय श्री राम के नारों के साथ होती है। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी 49 साल की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। साध्वी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी बाइक पर सवार हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर साध्वी प्रज्ञा सबसे पहले महाराणा प्रताप की मूर्ति पर फूल चढ़ाने पहुंचती हैं। साध्वी की बुलेट रुकती है तो जरा वहाँ गूंज रहे नारों को सुनिए। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, इस बलवे को रोक सके वो कौन, माई का लाल है। साध्वी दोबारा बुलेट पर सवार होती है तो भीड़ बढ़ जाती है, नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। प्रज्ञा हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करती हैं, और जब साध्वी प्रज्ञा की बुलेट भोपाल की इन गलियों में पहुंचती है तो महिलाएं आरती की थाल लिए उनका इंतजार कर रही होती हैं। एक महिला प्रज्ञा को माला पहनाने की कोशिश करती है तो प्रज्ञा कहती है कि जीतूंगी तब यह हार पहनाइएगा। साध्वी को भेंट में पीला वस्त्र से लेकर पैसे तक दिए जाते हैं, लेकिन साध्वी की आरती उतारने वालों का सिलसिला खत्म नहीं होता। साध्वी का काफिला आगे बढ़ता है तो उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है। वो बुलेट पर बैठे बैठे ही बच्ची का नामकरण कर देती है। इसका नाम मैंने प्रज्ञा रख दिया। आज से ये प्रज्ञा, सरनेम क्या है? कारपेंटर। प्रज्ञा ठाकुर ने बुलेट से प्रचार का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो कार से इन गलियों तक पहुंच नहीं पा रही थी। प्रज्ञा जिनके पास जाना चाहती हैं वहां तो पहुंच गई, लेकिन जनता प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह के बीच किसे संसद पहुंचाएगी, इसमें अभी 2 दिन और बाकी है। 12 मई को भोपाल में वोटिंग से पहले दिग्विजय सिंह भी प्रचार में जी जान से जुटे हैं, लेकिन 10 साल तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके दिग्गी राजा अपने प्रचार में खुद को प्रज्ञा ठाकुर से बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इकहत्तर साल के दिग्विजय सिंह जब काले रंग की इस कार से उतरे तो सबसे पहले उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। इसके बाद उन्हें भगवा पटुका पहनाई गई। लड्डू खाकर दिग्विजय सिंह ने मुंह मीठा किया। दिग्विजय सिंह को माला पहनाने की कोशिश हुई तो उन्होंने मना कर दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह बेहद जल्दी में थे। उन्हें किस बात की जल्दी थी, उनसे ही सुनिए। ये 12 बजे बंद हो जाएगा पटुका। मंदिर के कपाट बंद होने वाले थे, इसलिए तेज कदमों से दिग्विजय सिंह आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। भोपाल के गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में दिग्विजय सिंह ने पूजा अर्चना की, ओम नामी चादर लपेटकर परिक्रमा की और फिर माथा टेक कर बाहर निकले। दिग्विजय सिंह जब बाहर निकले तो मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे। ऐसा लगा
कि दिग्विजय सिंह अब प्रचार शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, मंदिर से बाहर निकलते ही दिग्विजय गोमाता से आशीर्वाद लेने पहुंचे। पहले फूल माला पहनाई, रोली का टीका लगाया और फिर गायत्री मंत्र के जाप के बीच गाय को घास खिलाई। ये तस्वीरें दिलचस्प हैं और राजनीति में स्थिति और जरूरत के मुताबिक खुद को बदलने की कहानी भी बताती हैं। दरअसल कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ने ही यूपीए के वक्त भगवा आतंक की थ्योरी को जन्म दिया था और अब करीब 75% हिंदू आबादी वाले भोपाल की जमीन पर जीत के लिए दिग्विजय को हिंदू आतंकवाद के आरोपी साध्वी प्रज्ञा के सामने खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश करनी पड़ रही है।